हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक पैसा। लास्ट वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देखा था और मैंने आपको बोला था कि अलग अलग चार्ट्स में जाके आप अलग अलग बॉडी और विक को ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में हम दो पैटर्न्स देखेंगे। इन पैटर्न्स से आपको समझ में आएगा कि शेयर प्राइस कब ऊपर जाएगी और कब नीचे आएगी, लेकिन सिर्फ इन पैटर्न्स को देख के ही आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है जो प्रीवियस प्राइस मूवमेंट को देख के आगे की प्रेडिक्शन करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सही हो। तो सबसे पहले देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न में दो कैंडल्स होते हैं। सबसे पहले एक बियरिश कैंडल होता है रेड कलर का, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल होता है जो बियरिश कैंडल के नीचे स्टार्ट होके बियरिश कैंडल के ऊपर जाके खत्म होता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल ने पिछले बियरिश कैंडल को पूरी तरह से खा लिया है। ये जब भी किसी चार्ट के एकदम नीचे में बनता है तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है। अब इसे एक चार्ट से समझते हैं। ये commodity.com साइट से लिया हुआ है, जहाँ इसे बहुत अच्छे से समझाया गया था। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे में बना है। ये एक बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल है जो बियरिश कैंडल को पूरा खा लिया है। अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो जब भी आपको चार्ट के नीचे में ऐसा पैटर्न दिख जाए, बुलिश कैंडल के बाद में एक कैंडल बना है जो रेड कलर का है, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। इसके बाद एक लंबा ग्रीन कैंडल बना है, इस कैंडल में आपको तब बाय करना है जब बुलिश कैंडल का टॉप प्राइस अचीव हो, और स्टॉप लॉस लगा देना है बुलिश कैंडल के लोअर प्राइस में। इसके बाद आपको तब तक होल्ड करना है जब तक आपको पैटर्न चेंज का कोई सिग्नल ना मिल जाए। सिमिलरली दूसरा पैटर्न है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें भी दो कैंडल स्टिक होते हैं और ये पिछले वाले से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें पहला कैंडल बुलिश होता है और दूसरा बियरिश होता है। बियरिश कैंडल बुलिश वाले के ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे जाके क्लोज होगा। इसे भी चार्ट में देख लेते हैं। ये एक अप ट्रेंड के आखिरी में और चार्ट के ऊपर में बना है। एक बुलिश कैंडल को एक बियरिश कैंडल पूरा खा लिया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से शेयर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप अलग अलग शेयर्स को ढूंढिए, उनके कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढिए और पता लगाइए कि कौन से शेयर्स में अभी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहे हैं या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहे हैं। अगर आप ढूंढेंगे, अलग अलग चार्ट्स देखेंगे, तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। कैंडलस्टिक चार्ट्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन सबको एक साथ बताने से वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। और थिंक पैसा चैनल में हम ट्राई करते हैं कि वीडियो छोटा हो, कोई एक टॉपिक समझाया जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू।